हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैक एंड नॉन टैक स्टडी में। यदि फ्रेंड आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जितनी भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, हम डिस्कस पहली बार तो आप सभी को पता होना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फ्रेंड, उसमें बहस 25 क्वेश्चन तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के देती है और 75 क्वेश्चन आपकी ब्रांच से रिलेटेड आते हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सिर्फ मैकेनिकल से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि मेरी ब्रांच भी मैकेनिकल है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 25 तक तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखो, मैं आपको यहाँ पर मैथ के पेपर तो सॉल्व करके दिखा नहीं सकता ही फ्रेंड, ये तो बहुत इजी है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटरमीडिएट मैथ, फर्स्ट ईयर का मैथ आप निकाल सकते हैं, उसमें सब आपको ये मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन है, इफ़ आप क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप इफ़ ए बी सी आर जी पी एक्स इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड वाई, वाई इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, देन 1/x + 1/y इजिकल टू क्या? तो फ्रेंड, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप अपने आप इनको सोल्व कर सकते हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने इंटर ठीक से किया है तो फ्रेंड वो इनको सोल्व कर सकता है। फ्रेंड हम यहाँ पर देखेंगे जो टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फ्रेंड टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो 25 तक तो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, हम यहाँ से 27 से शुरू करते हैं। तो 27 क्वेश्चन देख सकते हैं आप फ्रेंड, 27 क्वेश्चन कौन सा है? 27 क्वेश्चन ये वाला 27 क्वेश्चन है। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई पाउडर मेटलर्जी मेथड। फ्रेंड ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट्स, जो नीचे कंपोनेंट्स लिखे हैं, इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है बाई पाउडर मेटलर्जी मेथड, इनमें से कौन सा कंपोनेंट पाउडर मेटलर्जी मेथड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है? फ्रेंड तो यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर एक है कार्बाइड टूल्स टिप्स बियरिंग्स, नंबर सी है फिल्टर्स, नंबर डी है ब्रेक लाइनिंग्स। तो फ्रेंड इसका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन डी सही है फ्रेंड, इसमें डी ब्रेक लाइनिंग्स, पाउडर मेटलर्जी के द्वारा हम ब्रेक लाइनिंग को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन ऑन स्टील विद ए सीमेंटेड कार्बाइड टूल टेलर्स टूल लाइफ कंपोनेंट इज 0.25, इफ़ द कटिंग स्पीड इज़ हाफ द टूल लाइफ विल बी इंक्रीज। तो फ्रेंड 28 क्वेश्चन देखेंगे, 28 क्वेश्चन का डी, इसका भी डी सही है 16 टाइम। तो फ्रेंड यहाँ भी 16 टाइम उसकी इंक्रीज हो जाएगी लाइफ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्रेंड यहाँ पर देखें हम 29 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द होल मेड, होल को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस क्या करता है बेस्ट एक्यूरेसी देता है? तो 29 का यहाँ पर है बी रेमिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है। आगे चलते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेल्ट एबिलिटी का उनका ऑर्डर इसमें हमें लगाना है। तो 30 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड, 30 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 30 क्वेश्चन का आपका इसका भी डी है, एल्युमिनियम कॉपर कास्ट आयरन एमएस, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आप। आगे चलते हैं, 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट ओनली टू डायमंड, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि डायमंड को छोड़कर, फ्रेंड आप सभी को पता होगा डायमंड सबसे कठोर मेटल डायमंड होता है, लेकिन डायमंड के को छोड़कर दूसरी कठोर धातु कौन सी है, इसको यही क्वेश्चन कह रहा है। इसमें कह रहा है कि डायमंड को छोड़कर, नेक्स्ट ओनली टू डायमंड को छोड़कर कौन सी ऐसी मेटल्स है या कटिंग टूल्स मटेरियल है जो कठोर होता है? तो इसका देख सकते हैं फ्रेंड आप, इसका भी क्या है डी, क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट क्या है, डायमंड के बाद दूसरी कठोर मेटल है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 32, इन रोलिंग ए स्ट्रिप बिटवीन टू रोल्स, रोलिंग में रोल्स द पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इन द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो इसका देख सकते हैं फ्रेंड आप 32 का भी फ्रेंड्स यहाँ पर डी ही आंसर सही है, 32 का डी,
32 का डी मटेरियल ऑफ द रोल्स, जो मटेरियल होता है रोल्स के जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं। इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन, टाइम स्टडी में जो रेटिंग फैक्टर होता है वो किस लिए, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए अप्लाइड किया जाता है। नंबर एक स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब, मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर, फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट, नॉर्मल टाइम ऑफ द जॉब। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं 33 का है डी। फ्रेंड इसका भी डी आंसर है, नॉर्मल टाइम ऑफ द जॉब। फ्रेंड आप ये ना समझिए कि वहाँ से डी डी चल रहा है तो सभी के आंसर डी सही होते हैं, फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, बट इनमें डी ही सही है। आगे चलते हैं फ्रेंड 34 द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट, इसमें क्या रहा है फ्रेंड ये कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर एक है द टाइम व्हेन कंपनी मेक्स मैक्सिमम प्रॉफिट, नंबर बी है द टाइम व्हेन कंपनी विल अंडरगो इन लॉस द मोस्ट इकोनॉमिक लेवल ऑफ ऑपरेशन, नंबर डी है द टाइम व्हेन द यूनिट कैन रन विदाउट लॉस और प्रॉफिट। जब कंपनी विदाउट लॉस और प्रॉफिट के द्वारा चलती है तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि ना तो कंपनी लॉस में हो और ना ही प्रॉफिट में हो। तो फ्रेंड आगे चलते हैं 35 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द सेल्स पोटेंशियल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप 35 का, इसका भी फ्रेंड डी ही सही है, डायरेक्ट सर्वे मेथड। फ्रेंड इसका क्या है, डी ही सही है, डायरेक्ट सर्वे मेथड यहाँ पर देख सकते हैं आप। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है 36, मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच ओकर्स ड्यू टू, मिश्रण क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है जो किसके कारण होता है। फ्रेंड इसमें कहा है कि मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच ओकर्स ड्यू टू, इसका आंसर है, इसका आंसर है बी इनसफिशियंट फ्लूडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, मतलब कि जो हमारी मोल्टन मेटल होती है उसकी हमने उसकी जो फ्लूडिटी होती है वो इनसफिशियंट है, तो उसमें जो डिफेक्ट आएगा वो आएगा मिश्रण। फ्रेंड आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, कंसिडर करना है फॉलोइंग प्रोसेस को, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेल्डिंग टेम्परेचर, मतलब जो हमें ये वेल्डिंग प्रोसेस दिए हैं इनको इनके टेम्परेचर के बढ़ते क्रम में हमको लगाना है, टेम्परेचर के बढ़ते क्रम में हमको इनको लगाना है। तो टेम्परेचर के बढ़ते क्रम में जब इन्हें लगाएंगे फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर हम टेम्परेचर के बढ़ते क्रम में, तो देख सकते हैं फ्रेंड सबसे पहले जो आता है गैस वेल्डिंग का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग का होता है, फिर उसके बाद आर्क वेल्डिंग का होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग का होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं आप इसका बी सही है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद चलते हैं 38, इन द रोलिंग प्रोसेस रोल रिप्रेजेंट फोर्स कैन बी डिक्रीज बाई रिड्यूसिंग दियर रोल डायमीटर, इंक्रीजिंग द रोल डायमीटर, प्रोवाइडिंग बैकअप रोल्स, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका देख सकते हैं आप 38 का आंसर देख सकते हैं फ्रेंड आप 38 का, फ्रेंड से इसका होगा ए, फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप 38 का ए, ए इसका सही है, रिड्यूसिंग द रोल डायमीटर। फ्रेंड आगे चलते हैं 39, ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर इज यूज एज कटिंग फ्लूड फॉर मशीनिंग, जो ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर मशीनिंग के लिए यूज की जाती है, कटिंग फ्लूड है फॉर मशीनिंग के लिए, वो किसकी मशीनिंग के लिए, स्टील की, एल्यूमिनियम की, कास्ट आयरन की, ब्रास की। तो फ्रेंड इसमें हम देख सकते हैं कौन सा सही है, 39 का, 39 का सी सही है फ्रेंड, 39 का सी सही है, कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए हम ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं कटिंग करने के लिए कास्ट आयरन की, ठीक है फ्रेंड। आप देख सकते हैं 40, फॉर कटिंग ऑफ ब्रास विद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन ए लेथ टूल शुड हैव, तो देख सकते हैं 40 का सी, 40 का सी सही है फ्रेंड, 40 का सी सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जीरो रैक एंगल। तो फ्रेंड्स आप विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर देते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेथड, पॉजिटिव ड्राइव, बेल ड्राइव, हाई वेलोसिटी रेशियो, बॉम गियरिंग। तो फ्रेंड इसका देख सकते हैं 41 का देख सकते हैं आप, 41 का फ्रेंड इसमें ए सही है, 41 का ए सही है, नेगेटिव ये तो हो गया था फ्रेंड, 41 का ए सही है, पॉजिटिव ड्राइव। फिर उसके बाद आगे चलते हैं 42 के बाद 42 फॉर ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर टू बी स्टेबल द कंट्रोलिंग फोर्स एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस वाई द इक्वेशन। तो 42 का देख सकते हैं आप फ्रेंड, यहाँ पर 42 का ए सही है, जो ऑप्शन ए है वो सही है, 42 का जो ऑप्शन ए है वो सही है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद चलते हैं 43, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉय इन क्लॉक्स इज ए रिवर्टेड गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, सन एंड प्लैनेट गियर,
डिफरेंशियल गियर। फ्रेंड ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कह रहा है जो गियर ट्रेन है जो क्लॉक होती है, मतलब हमारी जो घड़ी होती है, घड़ियों में जो गियर ट्रेन होती है वो कौन सी गियर ट्रेन काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आप 43 का ए, तो इसमें रिवर्टेड गियर ट्रेन काम करती है। 43 में जो है फ्रेंड्स रिवर्टेड गियर ट्रेन, इसमें जो क्लॉक होती है उसमें हमारी रिवर्टेड गियर ट्रेन काम करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 44, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट डिपेंड्स अपॉन, जो रोटेटिंग शाफ्ट होती है उसकी क्रिटिकल स्पीड हमारी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। 44 का यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेंड, नंबर एक है मास पर, स्टिफनेस पर, मास एंड स्टिफनेस, तो फ्रेंड इसका होगा मास एंड स्टिफनेस दोनों पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड 45, इफ़ म्यू इज़ द एक्चुअल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू फ्रेंड यहाँ पर डिनोट करते हैं, जो म्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन ए बेल्ट मूविंग इन ए ग्रूव्ड पुली, द ग्रूव एंगल बीइंग 2α, द वर्चुअल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं 45 का बी, यहाँ पर 45 का बी सही है क्योंकि म्यू अपॉन कोज अल्फा होता है इसका आंसर, म्यू अपॉन कोज अल्फा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको इसके लिए एक बुक बता देता हूँ फ्रेंड, आप इसमें एक बुक खरीद सकते हैं आर एस खुरमी की बुक खरीद लीजिए फ्रेंड, उसमें आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये देखो फ्रेंड यहाँ पर देखिए टिक भी लगा हुआ है 46 में कह रहा है ए फॉरवर्ड चैन हैज़ अल्टरनिंग पेयर, जो फ्रेंड्स हम बताएं आपको फॉरवर्ड चैन कैसी होती है, फॉरवर्ड चैन किस तरह की होती है, मैं फ्रेंड आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, फॉरवर्ड चैन इस तरीके की होती है फ्रेंड, इस तरीके से होती है ये भी फ्रेंड एक टर्निंग पेयर, यहाँ पर इस तरीके से बना होता है, तो क्या होते हैं चारों क्या होते हैं टर्निंग पेयर होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं नंबर 47, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए फ्लाई व्हील इज जनरली एम्प्लॉयड, फ्लाई व्हील कौन से में इसमें जन एम्प्लॉय करता है, तो 47 का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 47 का फ्रेंड नंबर एक है लेथ मशीन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, पंचिंग मशीन में, तो पंचिंग मशीन इज द राइट आंसर ऑफ 47, क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो पंचिंग मशीन है। यहाँ पर 48 फ्रेंड आप कंसिडर द फॉलोइंग डिजाइन कंसिड्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड कंसिडर द फॉलोइंग डिजाइन कंसिडरेशन, नंबर एक टेंसाइल फेलियर, क्रीप फेलियर, मतलब ये हमें क्या करना है, द डिजाइन ऑफ द पिन ऑफ द रोकर आर्म ऑफ आईसी इंजन इज बेस्ड, तो फ्रेंड 48 का आप यहाँ पर देख सकते हैं 48 का जो राइट आंसर है वो है डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ 48। यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं 49, द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर मेंबर्स सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड्स विद द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स व्हेन यूजिंग, तो 49 का आप देख सकते हैं फ्रेंड 49 का जो राइट आंसर है वो है बी ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। तो ये अब आते हैं 50 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लोडिंग इज कंसिडर फॉर डिजाइन ऑफ एक्सेस, 40 का देख सकते हैं आप फ्रेंड 50 का आप देख सकते हैं 50 का है फ्रेंड, इसमें 50 का जो राइट आंसर है वो है ए बेंडिंग मोमेंट ओनली। अब यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं 51 का आप फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर 51 का जो राइट आंसर है वो है रिमूवल ऑफ मेटल पार्टिकल्स फ्रॉम द रेस वे ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज ए काइंड ऑफ फेलियर ऑफ बियरिंग नून एज, तो 51 का आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 का जो राइट आंसर है वो है पिटिंग में से ये सब कुछ होता है फ्रेंड पिटिंग। फिर उसके बाद व्हेन ए शाफ्ट ट्रांसमिट पावर थ्रू गियर्स द शाफ्ट एक्सपीरियंस बेंडिंग स्ट्रेस एनल टॉर्जन स्ट्रेस एनल, तो फ्रेंड इसमें हम देख सकते हैं 52 का, मतलब कि जब क्या इसलिए कह रहा है जब शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करती है तो उसमें कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो 52 का आप देख सकते हैं फ्रेंड बी टॉर्जनल स्ट्रेस। फ्रेंड आप ध्यान रखिए शाफ्ट में ओनली टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट होता है जब हम क्या करते हैं पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 53 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज एडॉप्टेड फॉर पावर ट्रांसमिट इन आइदर डायरेक्शन, हाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं आइदर डायरेक्शन में हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं स्क्वायर थ्रेड से हम आइदर किसी भी डायरेक्शन में हम स्क्वायर थ्रेड से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जो पावर ट्रांसमिट करते हैं वो है एकम थ्रेड। ठीक है फ्रेंड आप देख सकते हैं फ्रेंड आप 54 को देख सकते हैं व्हेन ए नट इज टाइटेंड बाय प्लेसिंग ए बाजर बिलो इट द बोल्ट विल बी सब्जेक्टेड टू, मतलब कि फ्रेंड आप देखिए आपकी दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं फ्रेंड ये कह रहा है कि व्हेन जब
नट को हम टाइट करते हैं प्ले वाटर रख वासर रखकर बोल्ट के ऊपर, हम वासर रख कर नट को टाइट करते हैं तो उसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं उसमें जो होता है सिर्फ टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इसका जो है राइट ए है राइट आंसर, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। द क्रीप इन द बेल्ट इज ड्यू टू, जो बेल्ट होती है उसमें जकड़न, क्रीप का मतलब जकड़न, जो बेल्ट होती है उसमें क्रीप किसके कारण आती है? मटेरियल ऑफ द पुली, मटेरियल ऑफ द बेल्ट, अन इक्वल साइज ऑफ द पुलिस, ऑल ऑफ द अवर्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है 55 का वो है बी, मटेरियल ऑफ द साफ्ट, जो मटेरियल का साफ्ट होता है उस पर डिपेंड करती है। फ्रेंड अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर 56 का क्या है। ए स्क्वायर की ऑफ साइड डी वाई फोर इज टू बी फिटेड ऑन ए साफ्ट ऑफ डायमीटर डी एंड इन द हब ऑफ पुली, इफ द मटेरियल ऑफ द की एंड द साफ्ट इज सेम एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इन सीयर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ की। तो यहाँ पर की लेंथ बतानी है हमें, तो फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं की लेंथ क्या होगी यहाँ।